अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप से है, जहां फाइनल में आज बांग्लादेश के खिलाफ भारत का मुकाबला होगा। प्रियम गर्ग की कप्तानी में खिताब पर नजरें हैं भारतीय टीम की। पांचवी बार विश्व चैंपियन बनने उतरेगा भारत। तो आपको बता दें कि पिछला मुकाबला भारत ने सेमीफाइनल का मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेला था और पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने अपनी जगह फाइनल में पक्की की थी। तो आपको बता दें इससे पहले भी चार बार अंडर 19 का खिताब भारतीय टीम जो है अपने नाम कर चुकी है। पहले एक बार ये विराट कोहली की कप्तानी में हुआ है, उससे पहले एक बार ये जो खिताब है वो युवराज सिंह की कप्तानी में हुआ है। तो अब ऐसे में देखना होगा प्रियम गर्ग जो इस समय मौजूदा कप्तान है अंडर 19 टीम के, उनकी कप्तानी में क्या भारतीय टीम पांचवी बार विश्व विजेता बनेगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का। तो आपको बता दें कि आज ये फाइनल मुकाबला होना है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हैं हमारे साथ। तो रोहित, ये पूरा मुकाबला जिस तरीके से है, जिस तरीके से भारतीय टीम ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था और अब बांग्लादेश के साथ फाइनल में पहुंची है, तो क्या बांग्लादेश भी जिस तरीके से फाइनल में है तो कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएगी भारतीय टीम को? तरीके से आज बांग्लादेश ने इस पूरे विश्व कप में मैच खेले हैं उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक कमजोर विपक्ष के रूप में आज भूमिका निभाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला है, यहाँ पर हाई ज्यादा रन वाले मुकाबले नहीं होते हैं, किसी टीम को कमजोर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भी उसी विश्व कप में उसी तरीके से खेलकर बढ़ा है जैसे भारत ने बढ़ाया। हालांकि बांग्लादेश को लीग मुकाबलों में एक हार मिली थी, भारत अभी तक अपराजय रहा है। जो 2018 विश्व कप में भारत जिस तरीके से जीतता रहा है उसके बाद से भारत अभी तक हारा नहीं है, डिफेंडिंग चैंपियन है भारत। तो पांचवीं बार दबाव बांग्लादेश पे रहेगा क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहीं भारत के पास ज्यादा दबाव रहेगा इस हिसाब से क्योंकि भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और पांचवीं बार फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए उतरेगा। भारत की तरफ से जिस तरीके से भी खेल खेला गया है पूरे वर्ल्ड कप में वो जबरदस्त रहा है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल रहे हो, चाहे सक्सेना रहे हो, या प्रियम गर्ग रहे हो, या ध्रुव चुरेल रहे हो। गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी भारत की जो तीन तेज गेंदबाज हैं आकाश रहे हो या स्पिनर अनकोलकर को देख लीजिए, तो भारत कहीं ना कहीं मजबूत टीम के रूप में इस पूरे फेवरेट है। लेकिन बांग्लादेश को कम आंकना भारत के लिए भूल होगी क्योंकि क्रिकेट में एक दिन किसी भी टीम का बुरा हो सकता है, किसी भी टीम का खराब हो सकता है। तो ये देखते हुए 1:30 बजे की जब मुकाबला शुरू होगा तो उम्मीदें यही होंगी कि भारत पांचवीं बार विश्व चैंपियन बनने की राह पर ही एक फाइनल खेलेगा आज। जी रोहित, अगर टीमों को लेकर बात हुई, इनके प्रदर्शन को लेकर बात हुई, तो जहां मुकाबला खेला जाना है उस मैदान को लेकर क्या कुछ कहता है मैदान? मुकाबला खेला जाना है जिस मैदान पर खेला जाना है वहां पर पिछले 2-3 मुकाबले खेले गए। भारत का पिछला मुकाबला जो सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया तो वहीं पर खेला गया था, तो उस पिच की इतनी कंडीशंस है कि वहां पर लगभग 250-260 रन बड़े स्कोर हो सकते हैं पहली पारी में। लेकिन अगर भारत पहली पारी में 200 या 220 रन भी करता है तो भारत की गेंदबाजी जिस तरीके से है मुश्किल में बांग्लादेश को डाल सकती है। वहां पर शुरुआत में गेंद उछाल भरी जाती है लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी स्विंग कम नजर आएगा, तो ऐसे में टॉस जीत कर भारत पहले बल्लेबाजी करने जाएगा क्योंकि दूसरी पारी में भारत के लिए स्पिनर्स कमाल कर सकेंगे। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।